सा वापस चलते हो या थोड़ा समय मिलता है चर्चा करने का, फिर आप चार गालियां पंडों को निकालोगे, चार गालियां गंदगी को निकालोगे, हमारे यहाँ धर्म का ये हाल और वो हाल, अटन शटन, क्यों? क्योंकि वो आपका स्वभाव आपने कर दिया। लेकिन वो कुछ पल आपने हृदय ईश्वर कंटक में है तो तीर्थ में जाने की जरूरत क्या? तीर्थ एक चार्ज वातावरण है, इट्स अ चार्ज एनवायरनमेंट। ईश्वर कंटक में है लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से वो निष्पक्ष रूप से विस्तृत होने वाला सूर्य भी एक स्थान पर केंद्रीभूत हो जाता है, अग्नि प्रकट कर सकता है, पानी को बांध सकता है, चावल को पका सकता है। ठीक उसी प्रकार के तीर्थ पर जब इतने सारे हृदय अपने चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, लेट मी हैव द लिबर्टी टू से नॉट ओनली मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, द राइट वर्ड वुड बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मनुष्य के हृदय से विद्युत के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। उस परिधि में जो भी व्यक्ति आता है वो प्रभावित हो बिना नहीं रह सकता, चाहे वो कितने समय के लिए भी जाए उतने अंशों में वो प्रभावित होगा। ऋषियों ने जब कभी भी तीर्थ की स्थापना की थी तो नो डाउट अबाउट दिस, दे नेवर एक्सपेक्टेड कि वे आर क्रिएटिंग वेन्यूज, जैसे कहा जाए कम्युनिटी डिश वॉशिंग नहीं है, कि सामूहिक रूप से पंचायती बर्तन धोने का स्थान, यानी अपने शरीरों की बर्तन को आगे धो जाओ, आगे और आकर के धाया धोया बस हो गया, क्या हो गया अजीब काशी हो गया, धन्य हो गया, पुण्य मिल गया, तब क्षमा मांग ली जाकर के लोग कहते हैं क्षमा मांग ली। ईश्वर कभी भी एक्टिविटी की होली स्थापना को ऋषियों के माध्यम से नहीं करना चाहता। तीर्थ रचने के पीछे कारण क्या? सबसे बड़ा कारण क्या? वो कारण सबसे बड़ा ये था, तीर्थ के जागृत वातावरण में मनुष्य अपने जीवन के उन विषयों को जाकर के उठाए जिनके लिए सामान्यतः वो अपने आप को अक्षम पाता है। अपने जीवन में अनेकों कामों के लिए संकल्प ले ले, सालों साल बीत जाते हैं हम संकल्प नहीं ले पाते, भीतर वो ऊर्जा ही नहीं उठती, भीतर वो भूख नहीं उठती, हिम्मत नहीं आती संकल्प ले सके, ले लेते तो टूट जाता। अगर मनुष्य को ये शिक्षण हो कि मुझे तीर्थ पर जाकर कैसी रहनी रखनी है, लेट मी रिपीट, अगर मनुष्य को ये प्रशिक्षण हो कि मुझे तीर्थ पर जाकर कैसी रहनी रखनी है, तो उसके व्यक्तित्व में चमत्कार हो सकता है। मनुष्य जाकर के उस वातावरण के भीतर अपने आप को घोलकर संकल्प को प्रचंड कर सकता है। तीर्थ का निर्माण किया गया था संकल्प शक्ति प्रचंडता, तीर्थ का निर्माण किया गया था आत्म अवलोकन के लिए, तीर्थ का निर्माण किया गया था जीवन दर्शन प्राप्त करने की अपना, तीर्थ का निर्माण किया गया था अपने आत्म निर्माण के लिए, जो विद्या लुप्त हो गई और वो पर्यटन तक सीमित हो गई, या पर्यटन या डिटर्जेंट तक सीमित हो गई। पर्यटन और डिटर्जेंट हमने बनाया, विधा तो वैज्ञानिक थी, इतने वैज्ञानिक थी जिसका हिसाब नहीं, क्योंकि इतने सारे लोगों की भावनाओं के द्वारा एक एक ईंट जाग जाती है, एक एक ईंट जाती है। अनुभव क्यों नहीं होता? अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि मनुष्य अपने चेतना के उस स्तर को प्राप्त नहीं होता जो तीर्थ को जान पाए। तीर्थ का सबसे बड़ा सिद्धांत है तीर्थ में रहने के लिए सहज होना, सजग होना जरूरी है। सहज माने, सहज माने बुद्धि को विराम, मूल्यांकन बंद, क्या खा रहा है, ये कैसे आया है, ये क्या लेके आया है, हम भी अगली बार ऐसा करेंगे, ये कैसा है, वो कैसा है, ऐसे होता है, वैसे होता है, ये मूल्यांकन है, सहन कोई मूल्यांकन नहीं, सच है, बिकम मोर अवेयर, उस वातावरण को अपने भीतर और प्रवेश करते हैं, जस्ट शट अप एट एवरी एंड व्हिच इंटरफेयर्स। मनुष्य जैसे तीर्थ में सहज और सजग होता है, दो दिन के बाद तीसरे दिन एक नया जीव भीतर पैदा हो जाता है। हम नहीं हो पाते, क्यों नहीं होते? क्योंकि पहले दिन से ही नाश्ते में क्या खाया था, पूरी थी, पूरी छाती में जल गई, उसकी पूरी ठीक नहीं, उसकी पूरी मैंने पहले भी खाई थी ठीक नहीं, अब कहा चल, अब चोटी वाले को ट्राई करते हैं, दोपहर को चोटी वाले के चल, शाम को मैं बाजार में से निकला था, उसके डोसे इस वक्त बहुत बढ़िया, शाम को डोसा पक्का वही खाएंगे, कल की कल देखेंगे, ये तीर्थ की प्लानिंग हो रही है। जहां तीर्थ में भी रस सबसे ऊपर रहेगा वहां गर्मी मनुष्य
ना तो सहयोग होगा ना सहज होगा ना तीर्थ की क्षेत्र को अवसर मिलेगा वो आपसे आकर के संवाद कर सके। तीर्थ में जाने के बाद हमें इन सभी स्तरों से मुक्त होना पड़ेगा, सभी स्तरों से मुक्त होना पड़ेगा। अनुभूति प्रवास में जब इनकी शक्तियां की जा रही राशियां बढ़ गई है, शक्तियां भी साथ साथ बढ़ गई। एक लड़का कह रहा था वहां आप वो खिलाते हो अमृतासन खिलाते हो, कोई कहता है लेनी है, तो मैंने कहा जिसको लेनी खानी है भैया जीव की सेवा यहां बहुत कर लेते हैं। विषय क्या है? विषय यह है कि हृदय को प्रचंड करने के लिए बुद्धि को शून्य करना आवश्यक। बुद्धि शून्य ही हुए बिना हृदय प्रचंड नहीं होता, और हृदय की प्रचंडता तीर्थ पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन मनुष्य में ला सकती है। मनुष्य अपने गहरे बोध को कहां सामान्य विकसित कर पाता, अंतर्दृष्टि कहां विकसित होती है, बुद्धि के मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स तो बहुत होते हैं, अंतर्दृष्टि कहां विकसित होती है, डीप इनसाइट डीप अंडरस्टैंडिंग ये कहां होते हैं, ये तीर्थ में होते हैं। अगर तीर्थ में मनुष्य 5 दिन ईमानदारी से जाकर के रह जाए, आने वाला व्यक्ति जब वापस आएगा विल बी डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, एंटायरली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। क्योंकि तीर्थ में ना केवल वहां का वातावरण सहयोग करता है बल्कि तीर्थ में एक अनुबंध है जीवन मुक्त जीवात्माओं का, जो आदि काल से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। हर तीर्थ में जीवन मुक्त जीवात्माएं मिलती नहीं लेकिन ढूंढती है कोई तो कपल काम का मिलो या कोई तो मिलो या, इसको बाजार की पड़ी है उसको खाने की पड़ी है, इसको डुबकी लगाने की पड़ी है इसको फलाने की पड़ी है, कोई तो ऐसा मिलो जो अपने हृदय की अंतरात्मा की वेदना के लिए आया हो, आत्म सुधार आत्म परिष्कार आत्म कल्याण आत्म निर्माण के लिए आया, एक तो मिलो। और वो जीवन को जीवात्माएं बरसाने को आते हो क्योंकि उनका उसके बिना काम नहीं चलता, वो उनका धंधा है। और हर तीर्थ में ऐसी ढेरों जीवन मुक्त जीवात्माएं होती है जो ढूंढती है ऐसे लोगों को, जैसे ही मिल जाता है उस हृदय को जाके छू लेती है, प्रेरणा के माध्यम से स्वर्ण के माध्यम से अनेकों प्रकार से उसको मार्गदर्शन देती है। और जब व्यक्ति तीर्थ से जाता भी है, जब कभी भी लगे कि तीर्थ रह रहे कि कोई बुलाता है, वो रह रहे करके बुलाने वाला आकर्षण उन्हीं का मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि उन्होंने अपने मैग्नेटिक फील्ड में गूंथ दिया आपको मन कर। ऋषि इतने छोटे नहीं थे कि तीर्थ का कॉन्सेप्ट उनके अर्जन के साथ पाप होने के साथ जुड़े। मनुष्य की इंडिविजुअलिटी डेवलप करने का कार्यशाला प्रयोगशाला तीर्थ है। वो सब कुछ जो करनाल में दिल्ली में सोनीपत पानीपत में संभव नहीं है, वो सब कुछ तीर्थ में जाकर के हो सकता है अगर मनुष्य इतना सजग हो तो। कुछ नहीं तो अगर गंगा जी के सामने जाकर के बैठ गया, दृष्टि उसने पानी पर बहने वाली सतह पर टिका दी, वही स्थिर हो गया, विदिन सम टाइम सर्टेन चेंजेस स्टार्ट हैपनिंग इन यू, कुछ विचार आने शुरू होते हैं, बहुत कुछ अलग होना शुरू, जीवन के उन्हीं विषयों और समस्याओं के प्रति दृष्टि को बदल जाते हैं। जब हम आंखों में आंखें डाल के विषयों को देखते थे फिर हम थोड़ा और ऊपर होकर के टावर व्यू लेना शुरू करते हैं, अच्छा ओ ओके ये सब भी तो है, ये सब भी तो है, कोई बात छोड़ो यार बोलिए। बड़ा आदमी कौन होता है जो पूरा परिकर का व्यू लेकर के कहते हैं बोलिए अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित ना केवल वातावरण आपको प्रभावित करता बल्कि वहां की अनेकों महान जीवात्माएं आकर आपको स्पंदित कर जाते हैं। जितने अंश पे आपकी जिज्ञासा होती है उतने अंश पे आपको प्रगति देती प्रेरित करती। लेकिन हमें तीर्थ पर जाकर के रहना तो आए, तीर्थ पर जाने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग की आवश्यकता है। मनुष्य को मालूम होना चाहिए मुझे अपने कौन से विषय को मरण करना, मुझे अपनी उपासना का समय कौन सा, मुझे टहलने का समय कौन सा, मुझे बाजार के दर्शन कितनी बार करने, और सबसे जरूरी बात वो ये कि खाने के प्रति मेरी दृष्टि क्या है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरगेट द फूड, क्योंकि भोजन 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 अच्छे खासे व्यक्तियों के इस प्रकार भोजन के विषय में नहीं सोचना चाहिए।
चिया पेट भर लेती है। दिल्ली वापस जाके, करनाल वापस जाके जितनी तंदूरी रोटी खानी है, पनीर खाना है, खा लेंगे। दैट्स नॉट मैटर। यहाँ जहां कहीं थोड़ा सा भी मिलता है, क्योंकि वो सब कुछ यहां नहीं मिलने वाला जो वहां मिल रहा है। मैं कई बार ऋषिकेश से, उस वातावरण से, चाहे वानप्रस्थ में जो मेरी लोकेशंस हैं, जहां मैं आप उनको लेके गया, वहां से कई बार मैं अकारण रो के आता हूं, अकारण रोता हूं, कोई कारण नहीं होता, कोई प्रसंग नहीं होता, रो पड़ता हूं और फिर सोचता हूं मैं रोया क्यों, कारण ही नहीं था, क्योंकि बुद्धि से परे का विषय होता है। आई कीप थिंकिंग थिंकिंग, ऐसा दिल्ली में तो मेरे साथ नहीं होता कि मैं खड़े खड़े यूं ही रो के आ जाऊं। There has to be some reason behind that. फिर भावना प्रस्तर पर होता है कि कोई आया होगा और छेड़ के मुझे बेहद करके चला गया, कोई आ रहा है। ये भाव कहीं और मिल नहीं सकता। भारत में ऋषियों ने इसी प्रावधान को हमें तीर्थ के नाम से किया। तीर्थों की रचना ऋषियों ने यूं ही नहीं कर दी थी, उन्होंने कोई अवसर नहीं छोड़ा, हर भौगोलिक घटना के साथ, परिस्थिति के साथ तीर्थ जोड़ दिया। नदियों का उद्गम तो तीर्थ, नदियों का संगम तो तीर्थ, गर्म ठंडे पानी का स्रोत तो तीर्थ, किसी सिद्ध पुरुष का जन्मभूमि तो तीर्थ, सिद्ध पुरुष के कर्मस्थली तो तीर्थ, कहीं ज्योतिर्पुंज हुए हैं, ज्वालामुखी हुए तो ज्योतिर्लिंग बना दिए तीर्थ, कहीं पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है तो तीर्थ, कहीं पर अवतारी पुरुष का जन्म हुआ तो तीर्थ, किसी वृक्ष के नीचे सरोवर के पास किसी जन सिद्ध ने साधना की तीर्थ। एक अवसर ने छोड़ा उन्होंने, जहां तीर्थ की रचना उन्होंने ना की। कण कण में जो भारत में कहा जाता है, कण कण भारत का जागृत है, वो कण कण यूं ही जागृत नहीं है। आदि काल से हजारों हजारों लाखों ऋषियों ने अपना शोध यहां किया, वहां के वातावरण को जागृत किया, इसलिए इतने तीर्थ भारत में है। अगर किसी राजा ने मनुष्य के आत्मनिर्माण का कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत आशा की जाती थी कि अपने सूक्ष्म स्तरों पर अगर कुछ छेड़छाड़ चाहते हो तो तीर्थ की चेतना के संसर्ग में आओ। तीर्थ की चेतना के संसर्ग में आते ही अपने आप तुम्हारे गहरे स्तरों में बहुत सा परिवर्तन होना शुरू हो जाए। तुम्हारी छोटी हुई भावनाओं का, दूसरों की छोटी हुई भावनाओं का, जीवन मुक्त जीवात्माओं की उपस्थिति का तुम्हें योगदान प्राप्त। उसी ऋषिकेश में, उसी हरिद्वार में जो कुछ आना पाना बोला है वो भी है, और महा महायोगी महा महासिद्धि अकाल किसी चीज का नहीं छोड़ता, काल अकाल नहीं छोड़ता, काल में सब कुछ, काल के गर्भ में महाकाल ने सब कुछ दिया, बस अवस्था चाहिए। उस अवस्था को प्राप्त कैसे होंगे, ये सबसे बड़ा प्रशिक्षण है, इससे बड़ा प्रशिक्षण कोई नहीं। और ये प्रशिक्षण जब मनुष्य को आ जाता है तो मनुष्य अनेकों अंशों से जाग जाता है। वासु भट्टाचार्य का उल्लेख मैंने पहले किसी कार्यक्रम में यहाँ किया था, 1995 में मेरी मुलाकात किसी दिन से कराई थी, मैं नाम सुना था, पहचानता मैं नहीं था। अध्यात्म की चर्चा जैसे ही आरंभ हुई, अध्यात्मिक चर्चा के बाद वासु भट्टाचार्य ने मुझे कहा, मैं अध्यात्मी तो नहीं हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये कि मेरा एक अनुभव है जीवन का, बेटा कमरा दरवाजा बंद कर, वो अनुभव ये है कि मैं जब कभी भी किसी नए शहर में जाता हूं,